जय माता दी दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ रहा हूं बिग बैश का एक और मैच। मैच है किसका, मेलबोर्न वर्सेस मेलबोर्न, मतलब मेलबोर्न स्टार्स वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेड्स का मैच है। सॉरी गला थोड़ा खराब है, तबीयत भी उतनी सही नहीं है, पर नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू। रेनेगेड्स टेबल में सबसे नीचे हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ मेलबोर्न स्टार्स का कैंपेन एवरेज जा रहा था, लेकिन कोविड की ऐसी मार पड़ी इस टीम पर कि प्लेइंग 11 उतारना मुश्किल हो गया है। बाकी तो छोड़ो, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? जैसा आज स्टार्स का मैच हुआ उससे मामला क्या कह रहा है, मैच किधर जाएगा? बड़ी दिलचस्प बात है ये, मैच जीतेगा कौन, स्मॉल लीग टीम क्या बनेगी, ग्रैंड लीग में क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसके अलावा और क्या बदलाव हो सकते हैं इस टीम में, इस मैच में, और क्या आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लेना है। @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट ही सर्च करें, विशेष ध्यान रखें, आगे पीछे कुछ ना लगाएं, वो फेक चैनल्स हैं मेरे नाम पे, आप जाके फेक चैनल्स पे पहुंच सकते हो। और क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल को कर लें सर्च, क्रिकेटोलॉजी के नाम से सर्च करेंगे तो चैनल आपको सॉरी सीधा सीधा मिल जाएगा, और मिलके आप सीधा उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करें, बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि लिंक से क्लिक करके ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए ये बात होगी आपका टेलीग्राम की, अभी हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। स्टार्स का मैच हुआ पर्थ स्कॉचर्स से, पर्थ बहुत मजबूत टीम थी, एक तरफा हरा दिया स्टार्स ने, लेकिन यहां कहानी उलट है। रेनेगेड्स तो फ्लॉप टीम है, दूसरी तरफ स्टार्स के पास एवरेज एवरेज है, लेकिन स्टार्स के जो स्टार्स हैं वो कोविड में कहीं खो गए हैं, नए नए खिलाड़ियों को उतारना पड़ा है, लेकिन बावजूद उसके इस मैच की फेवरेट स्टार्स ही है। कारण बता देता हूं क्यों है, कि मोर और लेस स्टार्स का अभी भी जो एक कोर है ना वो बच रहा है। जैसे देखो जो क्लार्क ने जिम्मेदारी ली, टूर्नामेंट में चल नहीं रहे थे अब तक, सिर्फ अच्छी एक पारी आई थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने जिम्मेदारी ली जिसके नतीजे के तहत उन्होंने 50 लगाई। हिल्टन कार्टराइट सीनियर खिलाड़ी हैं, इस मैच में नहीं चले, अगले में चल सकते हैं, बढ़िया। ग्लेन मैक्सवेल पूरे 4 ओवर का कोटा डाल रहे हैं, 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, मतलब एज ए कैप्टन वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले मैच में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले में भी कामयाब नहीं होंगे, हो सकते हैं बिल्कुल, अगर एक कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, और मेलबोर्न रेनेगेड्स जैसी टीम के खिलाफ तो जरूर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो बॉलिंग है, हारिस रऊफ आ गए और ब्रैडी काउस तो हैं ही हैं, तो दो बढ़िया पेस बॉलर इनके पास हो गए, जो पावर प्ले में और डेथ में दोनों में इनके लिए बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं। एक प्रोस्पेक्ट इन्हें मिल गया है इसी बीच में, टॉम ओकोनेल के रूप में। टॉम ओकोनेल नंबर 5-6 बैटिंग करने के लायक हैं, और पूरा 4 ओवर का कोटा डालने लायक, मतलब एक शानदार ऑलराउंडर बन सकते हैं और अपना एक बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेलबोर्न स्टार्स इस मैच की इसलिए फेवरेट बन रही है, समझ रहे हैं आप। रेनेगेड्स में क्या है कि फिंच हार्वे, इसके अलावा बैटिंग ही नहीं दिखती है इनकी, और फिंच हार्वे में भी क्या है, ना फिंच चल रहे ना हार्वे चल रहे, एक पारी फिंच से आई है, हार्वे की भी पहली पारी का इंतजार है, एक पारी आई थी लेकिन काफी पहले शुरू के एक दो मैचेज में आई थी। बॉलिंग में केन रिचर्डसन उस लय में लगे नहीं है जिसके लिए जाने जाते हैं। रिशी टॉपली, मतलब सब ऐसे ही चल रहा है ऑल एंड ऑल, कि किसी मैच में कोई चल गया, किसी मैच में कोई चल गया, एज ए टीम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इस मैच के जो फेवरेट हैं वो है मेलबोर्न स्टार्स। आपको क्या करना है, आपको अपनी बैट मेलबोर्न स्टार्स पर ही लगानी है। कहाँ लगानी है, बैट अड्डा पे लगानी है, बैट अड्डा का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी और आपका डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। क्लिक करें और क्लिक करके सीधा आप पहुंच जाएं, कहाँ पे, सीधा पहुंचे बैट अड्डा पे, रजिस्टर करके बाकी डिटेल फिलअप करके खेलना शुरू कर दें बैट अड्डा पे। बैट अड्डा पे खेलना कैसा है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे जो पिंड मैसेज है उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया है मेरा, उस पर क्लिक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इतना भी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है बैट अड्डा ट्यूटोरियल के नाम से, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, पूरा ट्यूटोरियल समझ सकते हैं वीडियो के बारे में, ठीक है। अब हम इस मैच के बारे में बात करते हैं, इस मैच की स्मॉल लीग टीम के बारे में, कि इस मैच की स्मॉल लीग टीम क्या हो सकती है। तो ये इस मैच की बेस्ट स्मॉल लीग पॉसिबल हो सकती है, क्या जो क्लार्क विकेट कीपिंग में नो डाउट सेम हार्पर से बेटर है, ओपनिंग करते हैं थोड़े थोड़े फॉर्म में भी हैं, और जब तक पूरी टीम लौटेगी नहीं इनको जिम्मेदारी भी ज्यादा लेके खेलनी पड़ेगी, और बढ़िया प्लेयर है। बैटिंग में आरोन फिंच, मैकेंजी हार्वे, हल्ड हिल्टन कार्टराइट, कार्टराइट बैटिंग ज्यादा नीचे करते हैं, पिछले मैच में 5 नंबर आए तो यहां भी आ सकते हैं, लेकिन
थोड़े सीनियर प्रो हैं और थोड़े थोड़े फॉर्म में लगे हैं, जब जब मौका मिला है पिछले मैच को छोड़ दें तो फिर बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करने की थोड़ी सी उनकी रहती है कि हाँ कर सकते हैं। आरोन फिंच और मैकेंजी हार्वे नाम के ऊपर लिए, एक एक पारी दो दो पारी आई है, लेकिन सही बात यह है कि अगर आप रेनेगेड से कोई बैट्समैन ढूंढने जाओगे जो थोड़ा कंसिस्टेंट था वो था निक मेडिसन, जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में एज कवर पहुंच गए हैं ट्रेविस हेड के लिए, तो फिर यही दो बचते हैं। ऑलराउंडर स्लॉट में मैं केवल जा रहा हूं मैक्सवेल के साथ, क्योंकि नवी और सदरलैंड दोनों ही कंसिस्टेंट नहीं है, तो केवल मैक्सवेल, और मैक्सवेल मेरे कैप्टन भी हैं। 4 ओवर जिसमें तरीके से डाले उन्होंने पिछले मैच में, और बैटिंग भी 4 नंबर पिछले मैच में, भले ही 4 ओवर में 40 दिए हों यहां विकेट ले सकते हैं, इसलिए मैक्सवेल कैप्टन है मेरे। और 6 गेंदबाज लेके जा रहा हूं, केन रिचर्डसन, ऋषि टॉपली, जाहिर खान, टॉम ओकोनल, ब्रैडी काउच और हारिस रऊफ। अब देखो एक बात समझो, 6 गेंदबाज, 24 ओवर, 4 मैक्सवेल, 28 ओवर आपका कवर कर दिया गेंदबाजी से। और ये जो मैच होगा ना, मैं बता रहा हूँ हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, विकेट्स ज्यादा गिरेंगे इस मैच में। क्यों? क्योंकि स्टार्स की जो बैटिंग है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, और जो रेनेगेड्स की बैटिंग है वो फॉर्म में नहीं है, तो बॉलर्स की चांदी कटने वाली है, इसी वजह से मैं ज्यादा बॉलर्स यहाँ लेके जा रहा हूं। और स्टार्स की चूंकि बैटिंग इनएक्सपीरियंस है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने केन रिचर्डसन को वाइस कैप्टन बनाया है कि विकेट्स लेके जा सकते हैं। ऋषि टोपली भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी के, क्योंकि पावर प्ले में ऋषि टोपली बॉलिंग करेंगे। जेम्स पैटिनसन अगर वापस आ जाते हैं तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब जो पावर प्ले के बॉलर रहेंगे खासकर पेसर, वो बढ़िया वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं स्मॉल लीग। ठीक है, ये बात होगी आपकी स्मॉल लीग टीम में। इसमें कुछ बदलाव करके हम ग्रैंड लीग टीम बना सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सफल कर सकते हैं। ब्रैडी काउच, हारिस रऊफ दो बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बन सकते हैं। हिल्टन कार्टराइट भी बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं वाइस कैप्टनसी का। ठीक है, तो ये आपकी टीम होगी स्मॉल लीग की। अब आ जाती है प्रॉफिट की बात, कि भाई ड्रीम इलेवन पे तो हम सदा से खेलते हैं, वहां जो जीत का रेशियो आता आता है, लेकिन इसको बढ़ाएं कैसे, हर किसी के मन में है कि अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। तो तरीका ये है कि ड्रीम इलेवन पे आज ही खेलना छोड़ें, आ जाएं विजन इलेवन पर। पहली बात, विजन इलेवन डाउनलोड कर लें, लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। ठीक, गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड एमएस राघव जरूर लगा दें। ठीक, अच्छा अब बात आ गई कि फायदा क्या, फायदा ये देखो, जितनी एंट्री पे जो प्राइज मनी ड्रीम इलेवन पे, उससे कम एंट्री पे सेम प्राइज मनी है विजन इलेवन पे, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट बच रहा है, एक बात। दूसरी बात, चूंकि इतने यूजर्स नहीं है अभी विजन इलेवन के पास जितने ड्रीम इलेवन के पास है, तो फायदा एक ये भी है कि हो क्या रहा है, विनिंग चांसेस आपके बढ़ रहे हैं, वहां 10 में से 6 मैच जीत रहे हो, यहां 10 में से 8 जीतोगे, 2 मैच काफी कुछ सिनेरियो बदल सकते हैं आपके प्रॉफिट का। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, अभी जुड़ जाए, बैट अड्डा पे भी जुड़े और विजन इलेवन पे भी जुड़े, और उसके अलावा जुड़े हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी, सभी अकाउंट्स के लिंक भी दिए हुए हैं, यूजर नेम भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी आप क्रिकेटोलॉजी के नाम से ढूंढ के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, फिलहाल तो चलता हूं, टाटा बाय बाय, जय माता।